आप सबकी डिमांड पर क्लास 12 ज्योग्राफी का मॉडल सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ जी हाँ। और इस मॉडल सीरीज में मैं आपको उन सभी क्वेश्चन को कवर कराऊंगा जो आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा जी हाँ। और इस मॉडल सीरीज में आपको एक भी क्लास को मिस नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको बता दी कि इस मॉडल सीरीज में मैं उन सभी क्वेश्चन को कवर कराने की कोशिश करूंगा जो आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा जी हाँ। तो आपको शुरू से लेकर आखिर तक हर क्लास से बने रहना है, और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, दोस्तों में आपको शेयर कर देना है जी हाँ। और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे हैं, आपको हर हाल में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है, ताकि जितने भी क्लासेस हो आपका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके जी हाँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप लोग साथ साथ अपना आंसर जरूर बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है, तो जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का मुझे राइट आंसर बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चले तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या बोला जाएगा यहाँ पे, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है जी हाँ। तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, यहाँ पे राइट आंसर बताने आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। क्या हो जाएगा, टेलर यानी ग्रिफिथ टेलर राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का, आपको क्वेश्चन को मिस नहीं करना है जी हाँ, क्योंकि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं मॉडल सेट से पूछे जाते हैं, उससे बाहर नहीं आता है। चलिए जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया जी हाँ। यानी जो ये संभववाद शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किस फ्रांसीसी ने किया था, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ। यानी क्या हो जाएगा, लूसियन फेब्रे हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही आ रहा है आप लोगों का। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, चलिए राइट आंसर बताइए आप लोग, भूगोल का जनक माना जाता है जी हाँ। तो किसको भूगोल का जनक माना जाता है, यानी कौन से कॉन्टिनेंट को, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, यूनान हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोग राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है जी हाँ। यानी कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि क्या है, सर्वाधिक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, अफ्रीका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है जी हाँ। तो कौन सा देश है जिसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, लेटविया राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, चलिए तो आप लोग इसी तरह राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, भारत में एक हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है जी हाँ। तो कितने व्यक्ति आश्रित है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है जी हाँ। यानी कौन सा महादेश है जो निम्न जनसंख्या वाला है, यहाँ पे आपका ऑप्शन अभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, ओशनिया हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, परोड़ आयु वर्ग से तात्पर्य है जी हाँ। तो परोड़ आयु वर्ग से तात्पर्य क्या है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 59 वर्ष हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है जी हाँ। तो कौन सा आयु वर्ग नहीं है, तो 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 90 वर्ष से अधिक ये कोई आयु वर्ग नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल आप सब आंसर सही दे रहे हैं, तो आपको इसी तरह क्लास के लास्ट तक आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है जी हाँ। तो कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, नॉर्वे हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, हॉर्टिकल्चर संबंधित है जी हाँ। तो हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा जी हाँ, फल एवं सब्जी से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, तो राइट आंसर बताइएगा आप लोग, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है जी हाँ। तो कौन सी फसल नहीं बोई जाती है किसमें, शुष्क कृषि में, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, गन्ना हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए जी हाँ। जो आदर्श तापमान है गेहूं की खेती के लिए वो कितना होना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम लोग, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, चलिए राइट आंसर बताइए आप लोग, ब्राज़ील में कॉफ़ी बगान को क्या कहा जाता है जी हाँ। जो ब्राज़ील है वहाँ पे कॉफ़ी बगानों को क्या कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, फेजेंडा कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला जा रहा है 15 में, निम्न में कौन खाद्य फसल है जी हाँ। यहाँ पे कौन सा खाद्य फसल है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, गेहूँ क्या है, एक खाद्य फसल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 16 में, चलिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, निम्न प्रदेशों में
से किसमें यानी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। जी हाँ, यानी कौन सा प्रदेश है जहाँ पे विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि नहीं की जाती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अमेजन बेसिन हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था। जी हाँ, यानी कौन सी कृषि के प्रकार हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रोपण कृषि हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है। जी हाँ, तो कहाँ विकसित है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, दक्षिण पूर्वी एशिया में। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में तो राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा। सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। जी हाँ, कौन सा कोयला का किस्म है जो सबसे अच्छा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, एंथ्रेसाइट हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है। जी हाँ, तो कौन रेशेदार फसल है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा। चलिए जी हाँ, तो आपको क्वेश्चन को मिस नहीं करना, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट 1 को कवर कर रहे हैं, इसी तरह मैंने आपको बताया कि 5 मॉडल सेट कवर करेंगे, तो आपको सारे मॉडल सेट को पढ़ना जरूरी है और आपको क्लास को एंड तक देखना जरूरी है। और आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। जी हाँ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है। 21 में चलिए तो राइट आंसर बताइएगा आप लोग कौन सा ऑप्शन 21 का करेक्ट होगा। क्या है 21 में, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। जी हाँ, कौन सा उद्योग है जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आधारभूत उद्योग हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन 22 में चलिए तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जनसंख्या हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन 23 में निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। जी हाँ, तो कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, व्यापार क्या है, एक तृतीय क्रियाकलाप है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है। शिक्षा कानून क्रियाकलाप है। जी हाँ, तो ये कौन से क्षेत्र का है, तो 24 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चतुर्थक क्षेत्र का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जा रहा है। तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। जी हाँ, तो कौन यहाँ पे तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, तो 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 में चलिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ, तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो यहाँ पे आपका यानी कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जाए। 27 में तो आप लोग राइट आंसर बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग तो अब तक राइट आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे, तो आप 27 का भी राइट आंसर बताएंगे मुझे। वर्ल्ड वाइड वेब जी हाँ, यानी WWW के आविष्कारक कौन है। जी हाँ, तो कौन आविष्कारक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, टीम बर्नर्स ली हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। क्वेश्चन 28 में चलिए राइट आंसर बताइए आप लोग। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। जी हाँ, तो किस चीज का परिवहन किया जाता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जी हाँ, पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। 29 में विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है, तो कौन सा विश्व का सबसे व्यस्तम यानी बीजी समुद्री मार्ग है, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जी हाँ, उत्तरी अटलांटिक मार्ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 में चलिए तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। संसार के अधिकांश महान पत्तन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। जी हाँ, तो किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, विस्तृत पत्तन के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है। कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। जी हाँ, नहीं कौन सी फसल है जिसका उत्पादन कोलंबिया और ब्राजील में सबसे अधिक होता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं कहवा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है। माराकाइबो पत्तन निम्न में से किस देश में अवस्थित है। जी हाँ, नहीं कौन सा देश है जहाँ पे माराकाइबो पत्तन अवस्थित है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, वेनेजुएला हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेंगे, बिल्कुल सही आप लोग अब तक आंसर दे रहे हैं, आपको इसी तरह लास्ट तक आंसर देना है सारे क्वेश्चंस का। क्या बोला जा रहा है 33 में।
विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है, जी हाँ, यानी कौन सा देश है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, जर्मनी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेंगे 35, देख लेंगे 34, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 34 में, तो राइट आंसर बताइएगा आप लोग। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, जी हाँ, तो कौन सी जनजाति जनजाति निवास करती है कालाहारी मरुस्थल में? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, बुशमैन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जा रहा है। बाबा बुदन पहाड़ी है, जी हाँ, कहाँ पे ये पहाड़ी है बाबा बुदन? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, कर्नाटक में है। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्नतम है, जी हाँ, कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, हरियाणा हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला जा रहा है 38 में? चलिए तो राइट आंसर बताइए आप लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है, जी हाँ, तो भारत का लिंग अनुपात क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 943 हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला जाए 39 में। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, जी हाँ, तो कौन सा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, राजस्थान हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन 40 में किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ, जी हाँ, नहीं कौन सी अवधि है, जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, 1911 से 1921 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला जा रहा है 41 में। चलिए तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या है? भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, जी हाँ, कौन नगर में यानी नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्रों में संलग्न होना ये यानी नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 में। चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, जी हाँ, स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, रहन सहन की निम्न दशाएं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है। 43 में भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है, जी हाँ, किसकी साक्षरता दर यानी उच्चतम है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, लक्षद्वीप हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित है नहीं है, जी हाँ, कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है? यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, भोपाल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। 45 में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, जी हाँ, तो कितनी यानी कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 7 हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है। भिलाई किस वर्ग का नगर है, जी हाँ, भिलाई कौन से वर्ग का नगर है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, औद्योगिक नगर है कौन, भिलाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं हम लोग क्या बोला जा रहा है 47 में। निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, जी हाँ, तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, गंगा डेल्टा का क्षेत्र हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला जा रहा है 48 में। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है, जी हाँ, कौन सी प्रॉब्लम है भारतीय कृषि की? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं क्या है। 49 में नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, जी हाँ, तो कहाँ पे अवस्थित है नीलगिरी पहाड़ी? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, तमिलनाडु हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला जा रहा है। 50 में निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है, तो कौन कपास का उत्पादक नहीं है? तो 50 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, जी हाँ। चलिए तो यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए और अभी 20 क्वेश्चन हम लोग को करना बाकी है, तो और आपको क्लास को लास्ट तक बने रहना है, जी हाँ, क्योंकि आपको मॉडल सेट को कवर करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स यानी 90% से अधिक मार्क्स लेके आना चाहते हैं तो आपको एक ही क्वेश्चन को देखना जरूरी है। और मैं आपको 5-5 मॉडल सेलेक्ट कराऊंगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जी हाँ। अगर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो जितनी भी क्लास होगी आपको टाइम पे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए और अभी क्लास को आपको छोड़ना नहीं है, और आपको क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर देना और
लाइक कर देना है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 51 में। चलिए क्या है क्वेश्चन 51 में, राइट आंसर बताइए आप लोग, हरित क्रांति संबंधित है जी हाँ, तो किससे संबंधित है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला जा रहा है 52 में, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो कौन सी नदी पर है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, नर्मदा नदी पर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53 देख लेंगे हम लोग, क्या है क्वेश्चन नंबर 53 में, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो कौन सी नदी पर बना है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, महानदी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला जा रहा है 54 में, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है, तो यहाँ पे कौन सा यानी कौन सबसे छोटी है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, माही बेसिन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है जी हाँ, तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, गंगा डेल्टा हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला जाए 56 में, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो किस राज्य में अवस्थित है, तो 56 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, राजस्थान हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला जाए 57 में, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो कौन सा एक गैर यानी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, सौर ऊर्जा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है 58 में, मौसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है, तो किससे संबंध है इसका, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, लौह अयस्क से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला जा रहा है 59 में, चलिए तो राइट आंसर आप लोग बताइए, सिंगरौली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो किस चीज़ के लिए सिंगरौली प्रसिद्ध है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, कोयला के लिए प्रसिद्ध है कौन, सिंगरौली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला जाए 60 में, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है जी हाँ, कहाँ पे तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, महाराष्ट्र हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जा रहा है, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है जी हाँ, तो कौन से उद्योग के लिए जाना जाता है, तो 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला जा रहा है, बोकारो इस्पात केंद्र है जी हाँ, तो बोकारो इस्पात केंद्र कैसा केंद्र है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र में है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जाए 63 में, चलिए तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, परदेशीय नियोजन का संबंध है जी हाँ, तो किससे संबंध है, तो यहाँ पे 63 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला जाए 64 में, भारतीय रेल की शुरुआत हुई जी हाँ, तो भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, 1853 ईस्वी में हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला जाए 65 में, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई जी हाँ, तो कौन से वर्ष में हुई थी, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 1998 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जाए 66 में, भारत में चार महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है जी हाँ, तो कौन सी सड़क है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 67 देख लेंगे हम लोग क्या बोला जाए 67 में, उत्तर दक्षिणी गोलियारा जोड़ता है जी हाँ, तो किसको जोड़ता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 68 देख लेंगे हम लोग क्या है क्वेश्चन 68 में, चलिए बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, तो आप लोग राइट आंसर बताइए, वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था जी हाँ, कौन था, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, कौन सा हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 में, चलिए तो राइट आंसर आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है जी हाँ, तो किससे होता है, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी डेसीबल से होता है जी हाँ। तो आज की इस मॉडल शीट वन का हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 क्या है 70 में, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है जी हाँ, तो कौन सा प्रदूषण होता है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी इनमें से सभी हो जाएगा जी हाँ। तो आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि मैंने आपको जो इस मॉडल शीट में 70 क्वेश्चन कराया, आप लोगों ने 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर राइट किए हैं। चलिए और आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जी हाँ, आपको टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके आपको हर हाल में जुड़ जाना है जी हाँ, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती है जितनी भी मॉडल सेट आपको कराए जाते हैं सबका लिंक
टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाता है और आप वहाँ पे आराम यानी टाइम पे क्लास को कर सकते हैं। चलिए, और आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर कर देना है ताकि वो भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए। इसी तरह मैं सारे सब्जेक्ट का आपको पांच पांच मॉडल सेट कवर कराऊंगा एग्जाम से पहले पहले, और आपको सारे को देख लेना जिन जिन के पास यानी जो जो सब्जेक्ट है जी हाँ, क्योंकि आपको पता ही है जो मॉडल सेट है वो मॉडल सेट ही एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपको एग्जाम से पहले मॉडल सेट को कवर करना जरूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको यानी आप अच्छे मार्क्स लेके नहीं आ पाएंगे जी हाँ, तो आपको देखना जरूरी है। चलिए, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।